फाइनली दोस्तों थैलापैथी विजय के कैरियर की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो ने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। और दोस्तों इस फिल्म ने बॉलीवुड इतिहास के और इंडियन सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए दुनिया भर में जहां अपने पहले दिन तो हिस्टोरिकल ओपनिंग ले ही ली है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स की भरमार लगा रही है और आज भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो शानदार आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म लियो के दो दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने हिंदी में अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग ली है और इससे इस फिल्म का कलेक्शन कितना हुआ है और ये फिल्म दुनिया भर से अभी तक क्या कमाल कर पाई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और थैलापैथी विजय गड़ाहट फैन से, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें आपको कि लियो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको थैलापैथी विजय, संजय दत्त, अर्जुन सरजा और त्रिशा कृष्णन जैसे बेहतरीन स्टार कास्ट नजर आई है। लगभग 160 से 180 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई लियो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि लोकी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। और दोस्तों लियो के साथ ही थैलापैथी विजय भी लोकेश कनगराज के सिनेमेटिक यूनिवर्स में अपनी एंट्री मार चुके हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 2.5 घंटे से बड़ी फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया और अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी, लेकिन दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के किंग यानी कि दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान की भी ओपनिंग को पीछे कर दिया और ओवरसीज से इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 68 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग ली है। ओवरसीज में दोस्तों वैसे तो थैलापैथी विजय की फिल्मों को काफी अच्छी ओपनिंग मिलती है, लेकिन इस बार थैलापैथी विजय की फिल्म लियो ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो आज तक तमिल सिनेमा की किसी भी फिल्म ने नहीं नाम किया होगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि लियो को ऑल ओवर इंडिया में जहां लगभग 4,500 स्क्रीन्स मिली है और दुनिया भर में ये फिल्म लगभग 1600 से 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी, इस फिल्म ने जहां अपने पहले ही दिन अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $2 मिलियन के आंकड़ों को पार करने वाली तमिल सिनेमा की पहली फिल्म बनी और थैलापैथी विजय के कैरियर की भी पहली फिल्म बनी और सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। तो वहीं दोस्तों यूके बॉक्स ऑफिस पर यानी कि दोस्तों ब्रिटेन में इस फिल्म ने बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे करते हुए कल नंबर 1 फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इंडिया में ही दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो रिकॉर्ड रहे। इस फिल्म ने दोस्तों इंडिया में तमिल बॉक्स ऑफिस पर जहां 50 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को आसानी से पार कर दिया, जबकि दोस्तों इस फिल्म के 4 बजे के शो भी अप्रूव नहीं किए गए थे, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी और इस फिल्म का जहां कर्नाटक में अपने पहले दिन का कलेक्शन 13.5 से 14 करोड़ रुपए का रहा है, तो वहीं दोस्तों केरला में तो इस फिल्म ने सभी को पीछे कर दिया, यहां तक कि बाहुबली 2, KGF चैप्टर 2 और RRR के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इस फिल्म ने केरला बॉक्स ऑफिस पर भी 12 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग ले ली है। ऐसे में दोस्तों थैलापैथी विजय की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ तमिल में ही सिमट कर नहीं रह जाती बल्कि दोस्तों अब वो पैन इंडिया के एक बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं जिनकी फिल्म ने साउथ इंडिया की चारों ही लैंग्वेजेस में यानी कि दोस्तों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में डबल डिजिट की ओपनिंग ली है और वो इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी फिल्म ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हो। दोस्तों बता दें आपको कि तेलुगु में भी इस फिल्म ने जहां अपने पहले ही दिन 17.8 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया है, लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के हिंदी के तो दोस्तों हिंदी में इस फिल्म ने कल नॉर्थ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच किया है जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। बताते चले दोस्तों आपको कि नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म को मल्टीप्लेक्सेस में यानी कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में नहीं रिलीज किया गया, लेकिन बावजूद इसके दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के पहले इनके कलेक्शन के बराबर है जो कि एक तरह से एक रिकॉर्ड है। और इसी के साथ दोस्तों थैलापैथी विजय की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 79 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच किया है, तो वहीं दोस्तों ओवरसीज के कलेक्शन को मिलाकर ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 147 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने वाली इस साल इंडियन सिनेमा की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है और 650 करोड़ फिल्म आदि पुरुष की ओपनिंग को इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि आदि पुरुष जिसने कि अपने पहले दिन
140 करोड़ रुपए कमाए थे। शाहरुख खान की फिल्म जवान जिसने की 129 करोड़ रुपए कमाए थे। इन दोनों ही फिल्मों को रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए दोस्तों लियो इंडियन सिनेमा के इस साल सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है और 147 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही इस फिल्म ने सभी के रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर लिया है। आज दोस्तों ये फिल्म अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह के रिव्यूज क्रिटिक्स की तरफ से भी मिले हैं उसके बाद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं लेने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि ये फिल्म आज भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहाँ एक तरह से 18 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई है, तो वहीं दोस्तों मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म के तमिल बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों सभी शो हाउसफुल है। केरला में भी दोस्तों ये फिल्म हाउसफुल बोर्ड के साथ चल रही है। तो वहीं दोस्तों हिंदी में इस फिल्म को आज गणपत, टाइगर नागेश्वर राव और यारिया 2 से कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी हिंदी में जहां एक बार फिर से शानदार कमाई करते हुए 4.5 से 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तमिल बॉक्स ऑफिस पर आज अपने दूसरे दिन का कलेक्शन लगभग 30 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर रहा है। केरला में दोस्तों ये फिल्म 7.5 से 8 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। कर्नाटक और तेलुगु में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन आज भी 22 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का आज अपने दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो इंडिया में जहां 60 से 62 करोड़ रुपए का आ रहा है, वहीं दोस्तों ओवरसीज के कलेक्शंस इस फिल्म के आज भी लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हो रही है। और दोस्तों इन दो ही दिनों में इस फिल्म के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके होंगे। दोस्तों थैलापैथी विजय की इस फिल्म का जो बजट है वो इतना नहीं है जितना कि इस फिल्म ने सिर्फ अपने दो दिनों में कमा लिया है। और इसी के साथ दोस्तों थैलापैथी विजय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म के कैफे वाले एक्शन सीन्स और रेसिंग सीन्स को काफी पसंद कर रही है। और जिस तरह से दोस्तों थैलापैथी विजय ने इस फिल्म में एक्शन किया है और उनकी केमिस्ट्री त्रिशा के साथ जम रही है वो भी ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोस्तों लियो की एंट्री के बाद ये भी कंफर्म हो चुका है कि अब आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई करने वाली है। और दोस्तों रोलेक्स की जो सिंगल फिल्म आएगी वो बॉक्स ऑफिस पर लियो, विक्रम और कैथी सभी के रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। फिलहाल मैं यही कहूंगा दोस्तों कि लियो इंडियन सिनेमा की इस साल वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर और हाईएस्ट ग्रोसर बन चुकी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।